Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic, the revolutionaries of class 10th history, chapter number 1. So last video में हमने बात की थी conservatives की, कि जो conservatism है वो किस तरीके से फैला. Napoleon के बाद conservatives जो थे वो एक तरीके से वापस power में आ गए. But कंजर्वेटिव्स के पावर में आने के बाद, या यूं कहें जब मोनार्की वापस से एस्टैब्लिश हो गई यूरोप में, तो उसके बाद जो लिबरल्स थे उनका क्या हुआ? जो लोग पहले आजादी की बात कर रहे थे, जो नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, लिबर्टी की बात कर रहे थे, अब उन लोगों का क्या हुआ? क्योंकि मोनार्की के आने की वजह से जो सारे लिबरल आइडियाज थे अब वो दब गए. लिबरल आइडियाज को सपोर्ट कर रहे थे नेपोलियन. तो नेपोलियन के टाइम पे जो लिबरलिज्म है, नेशनलिज्म है, ये काफी फ्लरिश कर रहा था. बट जब मोनार्क्स आ गए वापस 1815 में, जब नेपोलियन का उनको हार देखनी पड़ी, नेपोलियन की हार के बाद मोनार्की वापस से एस्टैब्लिश हुई, तो उसके बाद जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा. मतलब उन्हें एक तरीके से छुपना पड़ा. अब वो एकदम खुले होके अपनी एक्टिविटीज को नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से पहले वो अपने लिबरलिज्म नेशनलिज्म के आइडिया को काफी बढ़ चढ़कर और एकदम खुले तौर पे वो रख रहे थे लोगों के सामने. अब उस तरीके से 1815 के बाद वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई था कि जहां पे भी जो राजा है, महाराजा है, जहां पे भी वो लिबरलिज्म और इन सभी चीजों की बात कर रहे थे, उन लोगों को वो सजा दे रहा था, उन लोगों को बंद कर रहा, उनके मुंह बंद कर रहे थे. जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सेंसरशिप लग गई थी, मतलब कि जो लोग एकदम ओपनली अपने लिबरल आइडियाज को बता रहे थे, अब उनके ऊपर रोक लग रही थी, उनको सजा मिल रही थी. तो इस डर की वजह से जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, उन्हें थोड़ा अपने कामों को रोकना पड़ा, थोड़ा सा उसको जैसे सीक्रेटली करना पड़ा कि ठीक है, हम मोनार्क्स के सामने एकदम खुले तौर पे विरोध उनका नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सीक्रेटली अपना काम करते हैं, जो अपना आइडिया है लिबरलिज्म का, नेशनलिज्म का, उसको सीक्रेटली बढ़ाते हैं. और इससे क्या होगा कि इससे हमें राजा जो है वो सजा नहीं देगा और हमें परेशानी नहीं होगी. तो सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में बनने लगी. मतलब कि सोसाइटीज तो बन रही थी, बट वो छुप छुप के बन रही थी, कि जो जैसे एक नेशनलिस्ट है, एक नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो करने वाला पर्सन है, वो किसी दूसरे नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो करने वाले पर्सन से मिल रहा है और उनसे चुपचाप बात कर रहे हैं, वो कोई खुले तौर पे बात नहीं कर रही, तो बहुत सीक्रेटली बातें हो रही हैं और सीक्रेट तौर पे ये जो नई सोसाइटीज हैं वो बन रही हैं. सोसाइटीज मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो सेम आइडिया वाले लोग हैं वो एक साथ मिलके ग्रुप बना रहे थे. और ये सीक्रेट सोसाइटीज क्यों बन रही थी? ताकि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जा सके और उनका जो आइडिया है उसको पहुंचाया जा सके, मतलब फैलाया जा सके. सो रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति लाना या बहुत बड़े लेवल पे चेंज लाना. तो ऐसे लोग जो बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव की मांग कर रहे हैं, उनको रेवोल्यूशनरीज कहते हैं. तो अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं कि लिबरलिज्म है, नेशनलिज्म है, जो लिबरल्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो क्या है? वो एक तरीके से रेवोल्यूशनरीज हैं, वो बदलाव चाहते हैं, वो मोनार्की से छुटकारा चाहते हैं, वो जो लोगों को प्रिविलेज मिल रही है उनसे छुटकारा चाहते हैं. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिबरलिस्ट हैं या जो लिबरल्स हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, वो लोग रेवोल्यूशनरीज हैं, वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं. वो जो पुराने तौर तरीके से स्टेट चलती जा रही थी, जो राजा वाला सिस्टम था, अब वो उसको पलटना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं. तो ये जो आइडिया है उनके नेशनलिज्म के, फ्रीडम के, लिबरलिज्म के, उसको वो सीक्रेटली सोसाइटीज के थ्रू फैला रहे थे. टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस. तो अब इस टाइम पे रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या है? कोई ऐसा पर्सन जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपोज करता है, मतलब अगेन राजा वाला जो सिस्टम है पूरा, मोनार्की जो है उसको अपोज करता है कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, राजा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए. तो वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्की आई, मोनार्की वापस एस्टैब्लिश हुई, उसका अपोज करने वाले लोगों को क्या बोला गया? रेवोल्यूशनरीज. ऐसे लोग जो लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उनको भी क्या बोला गया? रेवोल्यूशनरीज. अब इनमें से ज्यादातर जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनका ये मानना था कि हमारी ये जो लड़ाई है फ्रीडम को लेकर, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशन स्टेट्स. मतलब कि अगर हम
चाहते हैं कि हम फ्रीडम मिले हमें, तो उसके लिए हमें नेशन स्टेट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए नेशन स्टेट्स बनाना बहुत जरूरी है कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें नेशन स्टेट की बात करनी होगी, एक प्रॉपर देश की बात करनी होगी, तभी जाके हमें आजादी मिलेगी। अब इसी तरीके के एक रेवोल्यूशनरी थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिनका नाम था गुसेपी मजीनी। ये जिनोआ 1807 में पैदा हुए थे। जिनोआ जो है वो प्रेजेंट डे इटली का पार्ट है, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। तो 1807 में उनका जन्म हुआ था और वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनरी, उसका पार्ट बने थे। जब वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 22 साल के थे तब उन्होंने ये जो सीक्रेट सोसाइटी है कार्बोनरी ज्वाइन की थी। अब सीक्रेट सोसाइटी है ये, और ये सोसाइटी किस लिए है, ये रेवोल्यूशनरी लोगों की सोसाइटी है। यहाँ पे किस तरीके की बातें हो रही हैं, यहाँ आजादी की बात हो रही है, यहाँ नेशन स्टेट की बात हो रही है। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो काम भी करती थी, मतलब मान लो वो कहीं पे अपोजिशन कर रही हैं, कहीं पे आवाज उठा रही हैं, मतलब कभी कभी ये लोग खुले तौर पे भी आवाज उठाते थे। तो जब गुसेपी 24 ईयर्स के थे तब इनको एग्जाइल भेज दिया गया था। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला दे देना। तो ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, इसका मतलब कि महज 24 ईयर्स के जो एज है उनकी, उस पर गुसेपी मजीनी को देश निकाला दे दिया गया था 1831 में, जब लिगुरिया में उन्होंने रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। तो मतलब कि जो गुसेपी है वो काफी एक्टिव थे, वो काफी बढ़ चढ़कर इस पूरे रेवोल्यूशन में हिस्सा ले रहे थे। और इसी तरीके का एक रेवोल्यूशन वो लिगुरिया में करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के दौरान उनको जो वहां के राजा हैं उन्होंने देश निकाला दे दिया कि भाई अब इस देश में वापस मत आना, ये जो पर्सन है गुसेपी मजीनी वो देश से बाहर रहेंगे। और उसके बाद ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। तो मतलब ये सारी चीजें होने के बाद, देश निकाला मिलने के बावजूद, उन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड किया, मतलब बनाया। पहली थी यंग इटली इन मर्सेइस, और दूसरी जो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी वो थी यंग यूरोप इन बर्न। तो ये दो सीक्रेट सोसाइटीज गुसेपी ने बनाई थी। अब इन सोसाइटीज के मेंबर कौन होंगे, जाहिर सी बात है ऐसे लोग जो रेवोल्यूशन चाहते हों, जो चाहते हों कि भाई हमें आजादी मिले। तो लाइक माइंडेड लोग, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों ने इन सोसाइटीज को ज्वाइन किया, और वो सोच कैसी थी, आजादी की सोच। अलग अलग जगहों से इन सोसाइटीज को यूज किया, ज्वाइन किया गया, मतलब कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, इन सारे जगहों के काफी सारे लोगों ने गुसेपी मजीनी की जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं यंग इटली एंड यंग यूरोप, इनको ज्वाइन किया। अब मजीनी का ये मानना था कि जो भगवान है वो हमेशा से ये चाहते हैं कि जो इंसान है वो नेशन के तौर पे रहे, मतलब देश बना के रहे। देश बना के रहना ही इंसान का सबसे सही रहने का तरीका है। तो गुसेपी मजीनी ये मानते थे कि भगवान की इंटेंशन ये है कि सारे जो लोग हैं वो कैसे रहें, वो देश बना के रहें, नेशंस के तौर पे रहें। सो इसीलिए इटली जो है वो अब और छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, उनका पार्ट बन के नहीं रह सकता। तो हो क्या रहा है कि क्या बोला जा रहा है, मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि भाई इंसानियत के रहने की बेसिक जगह क्या होगी, नेशंस, देश। और इसीलिए जो इटली है दैट कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस टाइम पे जो किंगडम्स वगैरह हैं, जैसे हमने जर्मन के टाइम पे देखा था कि नेपोलियन ने क्या किया था, बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रिंसिपैलिटीज थी उनको मिला के 39 स्टेट बनाया, और उन 39 स्टेट्स को मिला के क्या बना, जर्मन कॉन्फेडरेशन बना। मतलब कि बहुत सारे बाइफ्रिकेशन हो रखे थे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो रखे थे जमीनों के, अलग किंगडम थे, अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज थी। तो जिस तरीके से जर्मन में हमने देखा, वैसे ही पूरे यूरोप में मैक्सिमम चीजें फैली हुई थी, और सेम केस था इटली में भी। इटली में भी जो पूरा इटालियन एम्पायर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, भाई किसी जगह का कोई राजा है, किसी जगह का कोई रूलर है, मतलब अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग थे। वैसे ये सारे लोग इटालियन थे, एक तरीके से एक भाषा बोल रहे हैं, उनके जीने का तरीका एक है। तो अब धीरे धीरे करके जो पूरे लोग हैं वो यूनाइट हो रहे थे, और अब जो गुसेपी मजीनी हैं उनको ये लग रहा था कि जो इटली है
अब वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बटके नहीं रह सकता। इटली को भी अब यूनाइट होना पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे किंगडम्स हैं, इनको एक साथ लाके कोई एक यूनिट बनानी होगी, हमें यूनिफाइड इटली बनानी होगी। तो ये जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स हैं, प्रिंसिपैलिटीज हैं, उन सबको मिला के एक बड़ा गठबंधन बनाना होगा और एक देश के तौर पर उसको निकालना होगा, मतलब एक देश हमें एस्टैब्लिश करना होगा। This unification alone could be the basis of Italian liberty. और Giuseppe का ये मानना था कि अगर हम ये unified nation बना देते हैं, मतलब एक तरीके से अगर हम ये जो छोटे छोटे kingdoms हैं, इन सबको एक साथ ले आते हैं और एक तरीके से उनको unify कर देते हैं, तो इसी से liberty जो है Italy को मिल जाएगी। मतलब कि basically इनका main aim क्या था, आजादी, कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें ये राजा से छुटकारा चाहिए। तो मान लो अगर हम कहें कि भाई पहले बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग राजा हैं और ये सारे लोग एक साथ आके किसी एक राजा को चुन लें, किसी एक राजा को चुन लें और बोलें कि भाई अब इस पूरे बड़े हिस्से का जो किंग है वो ये है, तो यहाँ पे एक चीज तो हो गई जो Giuseppe चाह रहे थे, यूनिफिकेशन, कि जो यूनिफिकेशन है वो हो गया। बट अभी यहाँ पे लिबर्टी नहीं है, आजादी नहीं है, है ना। तो Giuseppe यही चाहते थे कि अगर हम किसी ना किसी तरीके से ये सारे टुकड़ों को जो इटली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, अगर इसको हम यूनिफाई कर लें तो काफी आसान हो जाएगा आजादी पाना, ठीक है, मोनार्की से छुटकारा पाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों से नहीं लड़ना पड़ेगा और ये जो छोटे छोटे किंगडम के लोग हैं, आम लोग, आम जनता सारी एक दूसरे से जुड़ जाएगी और एक दूसरे के साथ आ जाएगी, क्योंकि वो ये मानेंगे कि हम सब एक ही है। मान लो पहले ये एक किंगडम था, ये एक किंगडम था, ये एक किंगडम था और ये एक किंगडम था, ऐसे चार किंगडम थे, इनको यूनिफाई करके एक किंगडम बना दिया। अब ये सारे, इस किंगडम में रहने वाला कोई पर्सन है, इस किंगडम में रहने वाला पर्सन, इस किंगडम में रहने वाला पर्सन, अब उसको ये लगेगा इन दोनों को कि भाई हम सब एक है, हम एक बहुत बड़े किंगडम का पार्ट है, अब हम अलग अलग किंगडम का पार्ट नहीं है, अब हम एक ही किंगडम का पार्ट है, तो इनमें कॉमननेस आने लगेगी, इनको एक दूसरे से थोड़ी सी सिंपति होने लगेगी, ऐसा लगने लगेगा कि हाँ भाई हम सब लोग एक हैं। और जब इन लोगों में एकता की भावना आएगी तो जो राजा है, जो मोनार्क है, उसके खिलाफ लड़ना काफी आसान हो जाएगा। तो एक तरीके से जो Giuseppe हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यूनिफिकेशन हो जाता है तो आजादी पाने के लिए ये एक बहुत अच्छा बेस की तरह काम करेगा, कि भाई आजादी हमें इसी चीज से मिल जाएगी कि भाई हम यूनाइट हो गए हैं। So following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. तो Mazzini के idea को follow करते हुए बहुत सारी secret societies जो हैं Europe के अलग अलग देशों में बनी, अलग अलग जगहों पे बनी, जैसे German, France, Switzerland, Poland, इन जगहों पे भी अलग अलग जो secret societies हैं वो बनने लगी। अब Mazzini का ये जो relentless अपोजिशन था, मतलब कि वो बेधड़क होके अपोज कर रहे थे मोनार्की को, वो राजा का एकदम डटकर विरोध करते थे, ठीक है, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। और वो जो सपना देखते थे कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होगा, ऐसे देश होंगे जहां पे डेमोक्रेसी होगी और वो देश रिपब्लिक होंगे, मतलब कि वहां पे जो लीडर हैं वो चुन के आएंगे, लोगों के मत से आएंगे, जब लोग वोट देंगे तब लीडर चुना जाएगा और अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में होगी, इस तरीके से एक देश का सपना Giuseppe देखते थे। अब Giuseppe Mazzini के इस सपने को देखकर, इस विजन को देखकर जो कंजर्वेटिव्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा डरते थे कि भाई ये क्या बात कर रहा है, अगर इस तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स आ गई, अगर इटली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बन गया तो भाई हमारा क्या होगा। कंजर्वेटिव्स मतलब कि वही मोनार्क, हाई क्लास वाले लोग जिनको प्रिविलेज मिली हुई है, जो ऐश कर रहे हैं, तो उन लोगों को अब Giuseppe के आइडिया से, उसके विजन से बहुत ज्यादा डर लगता था। अब हमने बात की थी मेटरनिक की, जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था तो ट्रीटी ऑफ वियना को किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो ये जो ड्यूक मेटरनिक हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो Giuseppe हैं वो सबसे डेंजरस एनिमी हैं उनके सोशल ऑर्डर के लिए। मतलब कि यूं मान लो कि मेटरनिक ने Giuseppe Mazzini को उस टाइम का सबसे खतरनाक दुश्मन घोषित कर दिया, कि भाई मेटरनिक या फिर जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, Giuseppe Mazzini। तो ये लेवल था Giuseppe Mazzini के विरोध का, वो इस लेवल पे काम कर रहे थे कि भाई जो मोनार्क हैं, जो राजा हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, वो डरते थे। इसका मतलब कि धीरे धीरे करके जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो आइडिया है लिबरलिज्म का, नेशनलिज्म का, अब वो एक्चुअली फैल रहा था।
इसी वजह से तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको डर लग रहा था अगर आइडिया फैलेगा नहीं, अगर गिसिपी मजीनी के जो स्टेप्स हैं अगर वो असर नहीं दिखा रहे थे तो इनको डर नहीं लगता, कंजर्वेटिव्स डरते नहीं। बात ये थी कि जो ये सीक्रेट सोसाइटीज बन रही हैं, जिस तरीके की बातें गिसिपी मजीनी कर रहे हैं, जैसे काम रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं, वो सब असर दिखा रहा था। और उस बदलाव की वजह से कि भाई शायद एक्चुअली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स आ सकता है, अगर हमने गिसिपी मजीनी और रेवोल्यूशनरीज को नहीं रोका तो ये लोग तख्ता पलट कर देंगे, ये लोग डेमोक्रेसी ला देंगे, तो ये चीज का डर अब कंजर्वेटिव्स को सताने लगा था। तो आप यूं समझ सकते हो कि भाई धीरे धीरे करके अब वो समय थोड़ा पास आने लगा था कि जब मोनार्की खत्म होने वाली है और यूरोप में नेशन स्टेट बनने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा सेक्शन है रेवोल्यूशनरीज का वो अच्छे से क्लियर होगा कि भाई किस तरीके से कंजर्वेटिव्स के आने के बाद जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, ऐसे लोग जो लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, अब उनकी क्या सिचुएशन थी और वो किस तरीके से अब ऑपरेट कर रहे थे, राइट?